हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू फ्रेम योर आर्टवर्क्स एट होम। तो गाइस, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो गाइस, उस वीडियो में ऐसे काफ़ी सारे कमेंट आए कि आप इस तरह के और वीडियो बनाइए। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग किस तरह से इस तरह का फ्रेम घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। गाइस, अभी आपको जो बैकग्राउंड में जो स्केच फ्रेम किए हुए नज़र आ रहे हैं, इसको मैंने घर पर ही फ्रेम किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से इस तरह का फ्रेम घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप एक स्केच को फ्रेम करते हैं तो आपका ये 25 से 30 रुपए का पड़ेगा मात्र। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फ्रेम को बनाने के लिए मैं यहाँ पर पीवीसी पाइप का यूज कर रहा हूँ जो इस तरह का होता है। आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पाइप है जो घरों में वायरिंग के लिए यूज किया जाता है, और आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये खुलता भी है। तो अभी आगे मैं इसका यूज बताऊंगा। गाइस, आपको इस तरह का एक पाइप लेना है और उसके बाद आपको अपने स्केच को, जिसको भी आप फ्रेम करना चाहते हैं, अपने ड्रॉइंग्स को इस तरह से मार्क करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। मार्क करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस तरह से काटना है उसको। आप सीधा मत काटिएगा, आपको जब भी अगर फ्रेम बनाना है तो आपको इसी तरह से काटना पड़ेगा ताकि आपका फ्रेम बिल्कुल परफेक्ट बन पाए। इसको काटते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जिस साइज का आपका ड्राइंग है आपको उसी साइज का इसको काट करना है। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से मैंने कट किया हुआ है यहाँ पर। तो गाइस, इसी तरह से मैंने चारों कॉर्नर्स को काट लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर रख कर देख रहा हूँ इसके साइज की किस तरह का हमारा फ्रेम बना है। तो गाइस, इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा आपसे फर्स्ट टाइम में। उसके बाद अभी देखिए, मैं यहाँ पर इसको पेपर से रब कर रहा हूँ। पेपर से इसको इस तरह से रब करने के बाद ये आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और अभी देखिए कि यहाँ पर मेरा एक बॉक्स बनकर रेडी हो गया है जो फ्रेम। तो इसको चिपकाने से पहले मैं यहाँ पर इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि इसमें दो लेयर होते हैं, तो एक लेयर को मैं पीछे वाले लेयर को इसमें निकाल दे रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको फेविक्विक की हेल्प से चिपका रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, इसी तरह से मैं फेविक्विक की हेल्प से इसके चारों कॉर्नर्स को जॉइंट कर लूँगा अच्छे से। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चारों कॉर्नर्स को अच्छे से जॉइंट कर लिया। और अब बात यह है इसको कलर करने की, तो मैं यहाँ पर कलर करने के लिए यूज कर रहा हूँ फैब्रिक का। तो गाइस, मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर यूज किया। आप अपने हिसाब से कुछ भी, कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। और इसी कलर का यूज करके मैं इसको पूरा बिल्कुल ब्लैक कर लूँगा पूरे फ्रेम को। तो गाइस, फ्रेम हमारा कलर होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अभी हम इसके ऊपर प्लास्टिक लगाएंगे। गाइस, ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, ये आपको केवल फ्रेमिंग के दुकान पर ही मिलेगा। जिससे फ्रेम करते हैं, जो सीनरी उनरी फ्रेम करते हैं, ये वही प्लास्टिक है। तो आपको ये फ्रेमिंग के दुकान पर ईजिली मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे ले लीजिएगा। और गाइस, इस प्लास्टिक की एक खासियत है कि इसमें एक लेयर नहीं होता, इसमें दो लेयर होता है एक ही प्लास्टिक में। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें दो लेयर है, तो मैं इसको निकाल ले रहा हूं पहले। और अभी इसको निकालने के बाद मैं यहां पर इसको फ्रेम पर लगाऊंगा। और फ्रेम पर मैं किस तरह से लगा रहा हूं आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको बस सिंपली जो आपका पीवीसी पाइप है उसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको बस उसके ऊपर रख कर हल्का सा प्रेस करना, ये ऑटोमेटिक उसमें फिट हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। और गाइस, प्लास्टिक जो आप यूज कर रहे हो उसको हल्का सा, बिल्कुल ऐसे लूज मत रखिएगा उसको, थोड़ा सा आप ऐसे टाइट ही रखिएगा ताकि आपका ये बीच में फोल्ड ना हो पाए।
गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेम बनकर रेडी हो चुका है, और अभी आपको सिंपली बस आपके जो ड्राइंग है आपको बस सिंपली उसमें फिट करना है, और उसी साइज का सेम आपके जो ड्राइंग का साइज है आपको उसी साइज का एक गत्ते को कट कर लेना है सेम उसी साइज का। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सेम उसी साइज का गत्ते को कट कर लिया और ये मेरा पूरा फिट आ गया है। आपको बिल्कुल ध्यान से इसको कट करना है, छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, और इसको मैं सिंपली सेलो टेप की हेल्प से चारों साइडों से इसे चिपका दे रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फ्रेम कुछ इस तरह का लग रहा है अभी। तो गाइस सेम उसी तरह से हम इसको भी फ्रेम करेंगे। ये फ्रेम मैंने कुछ महीने पहले बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये फ्रेम बनकर रेडी हो चुका है, और अभी हम इसमें लाइट्स लगाएंगे। और गाइस यहाँ पर मैं पुरानी एलईडीज का यूज कर रहा हूँ, ये ब्लू कलर की एलईडी है, जो पुरानी एलईडी है उसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर साइड में लगाने के लिए लाइट्स। गाइस ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइट्स लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। और गाइस इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर डबल साइड जो टेप आता है पतला वाला उसका यूज कर रहा हूँ, इसमें गम ख़त्म हो गया। ये पहले से अगर आप इसको न्यू लेते हैं तो इसमें पहले से चिपकाने के लिए दिया रहता है, बट ये पुराना है इसलिए नहीं चिपकेगा। तो मैं यहाँ पर डबल साइड टेप है जो पतला वाला आता है उसका यूज कर रहा हूँ, और इसे सिंपली चारों साइडों से इसी तरह से चिपका लूँगा। गाइस लाइट्स हमने लगा दिए हैं, अब चलिए इसको जला कर देखते हैं कि किस तरह का लगता है। ऐसे बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है हमारा स्केच। तो गाइस अभी हम इसको दीवार पर लगाएंगे तो और भी मस्त लगेगा। तो गाइस इसको दीवार पर हैंग करने के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक मार्क कर रहा हूँ, और उसको सिंपली कंपास की हेल्प से बिल्कुल छोटा सा एक जगह बना रहा हूँ ताकि ये दीवार पर हैंग हो सके। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का छोटा सा छेद बनाया है मैंने यहाँ पर। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।